निकाह हो गया और मेरे दो निक्के भी हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज का बेहतर ऑल्टरनेट, यू नो शी लिव्स विद मी, वी एंजॉय, वी पार्टी अ लॉट, हलाल पार्टी, हम घूमते फिरते, हम खाने खाते हैं, वी लव ईच अदर, नो नो वी वेरी हैप्पी। इवन जो पैसे मैं पहले हराम पे खर्च करता था, जब दिल में दुख भी होता था, यहाँ पे छुरी चल रही होती थी, अभी जब मैं उन पर खर्च करता हूँ अपनी वाइफ पे, मुझे खुशी होती है कि ये मेरा सदका है, ये मेरा आखिरत में सेव किया जा रहा है, ये अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका है, अपने घर वालों पर खर्च करना सबसे अफजल सदका है। सो दिस इज वॉट हैपेंड फॉर मी। इवन जो मेरा बाइक तबाह हुआ था, बुलेवार्ड चॉपर 660, अल्लाह इवन गेव मी अ बेटर बाइक, अ BMW GS क्रॉस कंट्री। मैंने अपनी लाइफ को रियलाइज किया और मैंने लिखा बहुत कुछ और मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैंने कहा व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या मसला था, लोग दीन पे क्यों नहीं आ पा रहे। सिर्फ मुझे एक स्टेटमेंट सामने आई मेरे, जो इस सब को कॉम्प्रोमाइज करती है, और वो क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तू मौलवी हो गया, लोग क्या कहेंगे, तूने हिजाब शुरू कर दिया, लोग क्या कहेंगे, तूने हमें गुनाहों पे लगा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। इस दौर में यू नो व्हाट, मैं जब चेंज हुआ तो मेरी माँ ने मुझे पीयर प्रेशर, यू नो मैंने जब दाढ़ी रखी हल्की सी, तो माँ जी ने कहा बेटा दाढ़ी कटवा दो, इसको शेव ऑफ कर दो। मैंने कहा अम्मा जी क्यों, सब खैरियत है? कहते नहीं, तुम्हें मुझे देख के खौफ आता है, तुम्हें देख के ना मुझे खौफ आता है। मैंने कहा अम्मा जी क्या हुआ, सब खैरियत है? कहती तुम मुझे उसामा उसामा लगते हो। मैंने कहा अम्मा जी केड़ा उसामा? कहती उसामा बिन लादेन। तो जब माँ बाप की तरफ से पीयर प्रेशर आता है, मैंने कहा अम्मा, मैं उनको प्यार से अम्मा कहता हूँ, मैंने कहा अम्मा मैं रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे घर आता था, अब मैं रात को इशा के बाद घर पे होता हूँ, मैं आप लोगों की बात मानता नहीं था, अब आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अम्मा को ना पाँव पे मॉइस्चराइजर लगाना बड़ा पसंद है, तो जो घर में काम वाली थी ना वो उसको लगाती थी। मैंने कहा आज की बात तुमने नहीं लगाना, आज की बात अम्मा को पाँव पे मॉइस्चराइजर मैं लगाया करूँगा, क्योंकि मेरी माँ है, तुम्हारी माँ तो नहीं है। सो मैंने कहा अम्मा आपने मेरी पर्सनैलिटी में चेंज देखा है, एक आपने चेंज देखा है, लेकिन फिर भी आपको खौफ आता है। और मैंने कहा जब मैं टॉम क्रूज की सुन्नत पे था और ब्रैड पिट की सुन्नत पे था, तब मैं बड़ा सोना मुंडा था, और जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आया हूँ, तब आपको मुझे खौफ आता है। वल्लाही भाई और बहनें बैठी हैं, अल्लाह के नबी ने आपके दौर के बारे में फरमाया था, बदा अल इस्लामु गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। लोगो इस्लाम स्टार्टेड समथिंग वेरी स्ट्रेंज। लोग कहते कौन सा नया दीन आ गया, ये मोहम्मद कौन सा दीन लेके आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक सहाबा हमारे कालू बल वजदना आबाना कदालिक यफअलून, हमने अपने बाप दादा को देखा है इन बुतों की इबादत करते हैं, तुम कौन से नया दीन के लेके आ गए, तुम कौन से जुमा जुमा 8 दिनों लोग आ गए हो। अल्लाह की मैंने कहा था ये दीन दोबारा स्ट्रेंज बन जाएगा एक दौर में। फतूबा लिल गुरबा, ग्लैड टाइडिंग्स टू द स्ट्रेंजर्स, खुशखबरियां हों गुरबा के लिए। If you ask a boy, okay, yeah, did you are a university graduate? Did you ever date a girl in your life? And he says no. कहते हैं what? You're such a nerd, man. You're such a weirdo. तू तो पप्पू बच्चा है, तू मम्मी डैडी है। किसी बहन से पूछे कि यार आप यूनिवर्सिटी में हो, did you ever go to a club? Have you ever been to a club or a pub? Did you ever have a boyfriend? And she says मैंने पाक जिंदगी गुजारी है, no. Like what? किस दौर के लोग हो, अजीब दौर है, राइट? इमेजिन जो शख्स पार्टी और हराम नहीं कर रहा उसको अजीब समझा जा रहा है, और जो इस दौर में डंके की चोट पे दीन पे अमल करना चाहे उसको क्या समझा जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे का फितना, लोग क्या कहेंगे कि तुम दीन पे, लोग दिस इज अ विशियस साइकिल विद नो स्टार्टिंग पॉइंट। लोग क्या कहेंगे, शादी हो रही है ब्राइडल शावर नहीं कर रहे, शादी हो रही है तुम सोबिया से तैयार नहीं हो रही, शादी तुम लहंगा 6 लाख का लहंगा नहीं सिलवा रही, तुम बड़े मार्केट में ग्रैंड वलीमा नहीं कर रही, तुम्हारी औलाद हो ये तो बहुत यू नो लेविश फीस्ट नहीं कर रही लोगों के लिए। लोग क्या कहेंगे यार, हमारे ड्राइंग रूम में सबसे ज्यादा खर्चा हम करते हैं, जहां पर जिंदगी का कम हिस्सा गुजारते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों ने आना होता है वहां पर। लोग क्या कहेंगे, हमारा घर कैसा है, कब्र में पता नहीं चलेगा लोग क्या कहेंगे, कब्र में अमाल काम आएंगे, हशर के मैदान में ये नहीं पूछा जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। और हम लोग बिना नारों में सबसे आगे हैं, हमसे बातें करवा ले, हम सच्चे आशिक रसूल हैं, हम अल्लाह के नबी के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, हम टायर जलाते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं, हम
रोडों पे आ जाते हैं, हम नारे मारते हैं, हलवे बांटते हैं, हम सारे पाकिस्तान में चिरागा करेंगे, लेकिन लेकिन नबी की अतात की जब बारी आती है, नहीं 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 इतनी मोहब्बत हमने नहीं की। साहबा ने कभी नारे नहीं मारे, साहबा ने कभी हलवे नहीं बांटे, साहबा ने कभी लाइटें और कुंभ कभी नहीं जलाए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह, बस। और फिर क्या मोहब्बत करके दिखाई, क्या मोहब्बत करके दिखाई। एक शख्स, हम क्या कहते हैं अक्सर, मैं लोगों को सुना, काश मैं मदीना में उठाया जाता, काश दौरे नबी में उठाया जाता, क्या हम खिदमत करते उनकी, हम सीनों पे नेजे खाते, हम हाथों पे तीरों को रोकते, हम उनका डिफेंस करते। एक सहाबी ने भी कहा, अनस बिन नजर उनका नाम है, उन्होंने कहा कि हम दीन की हिफाजत करेंगे और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, मगर ही मिस्ड बदर समहाउ, बिकॉज बदर वॉज नॉट अ प्लान अटैक, इट वॉज एन एम्बुश अटैक, ही मिस्ड बदर। वो सर पकड़ के बैठ गए, हाउ कुड आई मिस बदर, हाउ कुड आई मिस बदर, या अल्लाह गिव मी वन मोर चांस टू प्रूव माई लव फॉर यू, प्लीज मुझे एक और मौका दे अल्लाह के नबी से मोहब्बत साबित करने का। अल्लाह ने कहा लो ओहद, ओहद। ये सहाबी सच्चे से जो अपने वादे में ना तैयार हैं, सबसे आगे हैं, जिहाद कर रहे हैं, कुफार की लाशें गिर रही हैं, लेकिन खालिद इब्न वलीद जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर एक्सपर्ट थे, जब पहाड़ी से सहाबा उतरे, पीछे से आए मुसलमानों को सैंडविच कर दिया, पीछे भी हमला आगे भी हमला, हमजा गिरे शेर खुदा, मुसअब बिन उमैर गिरे शहीद हो गए, और जब मुसअब बिन उमैर गिरे तो अफवाह उड़ गए कि अल्लाह के नबी हैज पास्ट अवे, दोनों की रिजेंबलेंस बहुत ज्यादा थी फिजिकली। तो जब सहाबा को पता चला अल्लाह के नबी हैज पास्ट अवे, मायूस हो गए, बैठ गए जमीन पे। उमर इब्न खताब जैसा दलेर जाइंट इंसान भी जमीन पे बैठ गए, अपनी तलवार को नयाम में डाला और मायूस होकर बैठ गए कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, हमारा क्या बनेगा। अनस बिन नजर साथ से गुजरे और कहते हैं, उमर Why you're sitting, उमर तुम क्यों बैठे नीचे। उमर कहते हैं कि अनस तुम्हें पता नहीं चला अल्लाह के नबी हैज पास्ट अवे। मोहब्बत जो थी ना सर चढ़ बोलती है, कहते हैं उमर फमा तुरीदु बिल हयात बादहु या उमर, उमर तुझे जिंदगी से चाहिए तो क्या चाहिए जब अल्लाह के नबी चले गए, उठ खड़ा हो, हम लड़े खुद भी शहीद हो और अपने हबीब से जाके मिले। ये होती मोहब्बत। और कहते हैं उमर मुझे ओहद के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है। और जब आगे गए और शहीद हो गए, अल्लाह ने जिब्रील के हाथों कुरान की आयात नाज़िल कर दी, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बदलू तब्दीला। मुमिनीन में से कुछ रिजाल ऐसे हैं, रिजाल मर्द ऐसे हैं, नो वट एवरी मैन इज अ मेल बट एवरी मेल इज नॉट अ मैन। अल्लाह कुरान में जब भी बड़े बड़े कामों का नाम लेते हैं ना, रिजाल का नाम लेते हैं, जकर का नाम नहीं लेते। हमारी उम्मत में मेल तो रह गए मगर मैन नहीं है, कम रह गए। ऐसे वो लोग हैं जो अपने वादे में सच्चे, अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं, कुछ ने अपना वादा पूरा कर दिया और कुछ इंतजार करते हैं। वमा बदलू तब्दीला, उनके इरादे बदलने वाले नहीं है। दुनिया की रेल पेल, माल का आना जाना, औरत की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, बड़ी गाड़ी का शौक, उनके इरादे नहीं बदलता। ये वो लोग हैं, ये होते हैं मर्द। मर्द तो मर्द, खवातीन भी उनसे आगे। एक शख्स ने अपने शोहर को, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को भेजा, जाओ ओहद का मौका लड़ो, और वो तीनों पहले से तैयार थे। जब वो गए, वापस आ रहे हैं, तो औरत घर से बाहर निकल के गई, लेट्स वेलकम, वेलकम होम, बाप को, भाई को या शोहर को, क्या सवाल करती है, मा फअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कैसे हैं मुझे बताओ। सहाबा ने कहा तुम्हारा भाई को हमने गिरते हुए देखा, वो शहीद हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या कर पूछती है, मेरे सवाल का जवाब दो, मा फअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कैसे हैं। दूसरा है तुम्हारा बाप शहीद हो गया, कहती है मेरे सवाल का जवाब दो, मा फअल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी कैसे हैं। तीसरा ग्रुप आया, तुम्हारा शौहर भी शहीद हो गया, यू हैव नो हस्बैंड टू गो होम विद, तुम्हारे बच्चे आज के बाद यतीम और तुम बेवा हो, तुम्हारे बच्चे आज के बाद यतीम और तुम बेवा हो, यू हैव नो हस्बैंड टू गो होम विद, क्या पूछती है, मा फअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कैसे मुझे बताओ। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।
तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ठीक है, उनसे बात हुई, कहते नहीं मुझे यकीन नहीं है, अगर जब तक मैं देख ना लूँ उन्हें, मुझे दिखाओ मेरे हबीब कैसे हैं। जाके उसने उनको देखा, अपनी आंखें ठंडी की, दिल को सुकून पहुंचाया और अपनी अल्फाज अपनी ज़बान से कुछ अल्फाज अदा किए। सात सहाबी खड़े थे, उन्होंने सुन लिए और तारीख में लिख दिया बुखारी में। कहते हैं ये कुल्लू मुसीबत बादक अजर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जब आप ठीक हैं तो हर मुसीबत मुसीबत ही नहीं है। अल्लाह ये होती है मोहब्बत, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई। हमें मोहब्बत हुई नहीं है। मैं आपसे पूछूं ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाम बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग ऑर्डर टिल द एंड, सबको पता होंगे। अशर मुबशरीन के नाम बताएं, 10 हुए प्रॉमिस जन्ना, हम 5 के नाम 6 के नाम आते होंगे। मैं हमने कौन कौन सी मूवीज़ देखी हैं, हम जी आई जो बता देंगे और कौन कौन सी मूवीज़ बता देंगे, मगर अल्लाह के नबी की सीरत को किसने पढ़ा एक दफ़ा, हमें नहीं मालूम, मगर नारे मार रहे हैं। बदर का मौका है, अल्लाह के नबी मशवरा कर रहे हैं, मेरे साहबा अशीरु अलैया नास, लोगों हम थोड़े वो ज़्यादा, हमारे पास 8-10 तलवारें, उनके पास लश्कर भरा हुआ है, कुछ मशवरा दो क्या किया जाए, अशीरु अलैया नास, लोगों मशवरा दो। वो खड़े हुए जो सबसे पहले खड़े होते थे, रदी अल्लाह अनका या अबा बकर, अबू बकर, या रसूलल्लाह आप कदम बढ़ाएं, हम साथ हैं आपके। अल्लाह के नबी ने दोबारा कहा अशीरु अलैया नास, लोगों मशवरा दो। उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, या रसूलल्लाह आप चले, हम आपके साथ हैं। मिकदाद खड़े हुए, कहा कि या रसूलल्लाह हम वो नहीं कहेंगे आपको जो बनू इसराइल ने मूसा को कहा था, इज़ अब अंता व रब्बुका कातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, मूसा तू और तेरा